अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शौक फातिमा अवान और आज के इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह से विंडो 10 के अंदर क्रोम को अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ फायरफॉक्स भी है, मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। मैं यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आपको ये करके दिखाऊँगी क्योंकि ये तो हमारी विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। यहाँ फ्रेंड्स हमने लिखना है क्रोम फॉर डाउनलोड। इसे हमने खोलना है, यहाँ से हमने, आप इस वेबसाइट को भी ले सकते हो, आप ये नीचे वाली इस वेबसाइट को भी ले सकते हो, ये फर्स्ट वाली चूँकि ज़्यादा अच्छी है इसलिए हम इसे ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। ये देखिए, ये नीचे रनिंग सिक्योरिटी स्कैन जो है वो शुरू हो चुका है। व्यू डाउनलोडिंग यानी डाउनलोड्स, यानी कि ये डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ से रन भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ से रन कर लेते हैं। इसे मैं बंद कर देती हूँ। हमारा क्रोम जो है वो डाउनलोड हो चुका है, अब बस इंस्टॉल होने वाला रह गया है। यहाँ से हमने इसे यस कर देना है। ये इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इंस्टॉल हो रहा है। जी, तो हमारा क्रोम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्रोम जो है वो आ चुका है। ये गूगल क्रोम देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है। ये जो टैब इस वक्त खुला हुआ है ये भी गूगल क्रोम का ही है। ये देखिए, ये नीचे क्रोम, और ये देखिए, ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स थैंक यू कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर आपने नहीं किया, ताकि मज़ीद वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप लाजमी करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।